बालम। वो गए नदिया के पास। हम तो रहे मजे। भागलपुर शहर जो पूर्वी बिहार में गंगा नदी के तट पर स्थित है, यह एक बहुत पुराना शहर है। और एक समय पर एक संपन्न नदी बंदरगाह भी था। यहाँ के लोगों का कहना है कि महाभारत में शहर का उल्लेख है। अतः रेशम बुनाई की परंपरा महाकाव्य के समय से ही यहाँ चली आ रही है। भागलपुर रेशम उद्योग का वर्तमान इतिहास लगभग 500 वर्ष पुराना है और ये कौशल पीढ़ियों से शिल्पकार को सौंपा जा रहा है। मेरा नाम है अजमल राही और ये काम में जो है मेरा अब्बा जो है यही काम करते थे, मेरा दादा भी यही काम करते थे, उसके बाद जो है फिर हम उसको कर रहे हैं। और ये लोकल काम जो हम लोग कर रहे हैं, लोकल काम हम लोग जो कर रहे हैं, दूसरे पार्टी के यहाँ से जो है महाजन होता है, शेर से लेते हैं हम लोग सूता बना करके, उसको सारा मटेरियल वही देता है, हम लोग बना करके देते हैं, उसका मजदूरी हम लोगों को मिलता है। किसी ज़माने में व्यापार का केंद्र माना जाने वाला पूर्वी भारत का ये शहर, जिसे सिल्क सिटी भी कहा जाता है, तो साद या टसर अपनी अनूठी परम्परा के लिए प्रसिद्ध है। शहर में उत्पादित कपड़े घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार दोनों में प्रसिद्ध हैं। भागलपुर क्लस्टर रेशम वस्त्रों के उत्पादन और निर्यात में कर्नाटक के बाद सबसे ऊंचे स्थान पर है। उमड़े घुमड़े रहे सोघन, उमड़े घुमड़े रहे सोघन, गरजत बादर बीमार, गरजत बादर बीमार, बंसी धुन सुमंझा। सत्य स्वयं सिद्ध होता, उसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। एक हैंडलूम चला करके पिताजी ने हम लोग को कॉलेज तक पहुंचाया। फिर क्या कहते हैं, इंटर में जाके अब फिर पढ़ नहीं सके, आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि नाम कटवाना पड़ा या काट देगा। सिल्क भी बना लेते हैं, फाइन यार्न का भी काम हम लोग लोधीपुर में कर लेते हैं और मोटे यार्न का भी, कोर यार्न का भी हम लोग कर लेते हैं। यहाँ दो झाप से प्लेन वीव से लेकर के मल्टी ट्रेडल वीव का काम होता है, 12 पेडल 16 पेडल तक का काम होता है हमारे लोधीपुर में। पुराने कथा ये है कि रेशम की खोज 5000 वर्ष पूर्व हुई थी, जब एक चीनी राजकुमारी के चाय के प्याले में एक कुकून आकर गिर गई थी। भारत में भी रेशम का लंबा इतिहास रहा है, जहां इसे राजसी गौरव
और प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है और इसे शुद्ध कपड़े के रूप में धार्मिक अनुष्ठान और औपचारिक अवसरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सब सखियां मिल पैंग बढ़ाओ लेके तांग दीम दीम तन देरे न देरे न धनी दीम दीम तन देरे न हड़प्पा और चुन्हुदारों में हाल ही में पुरातात्विक खोजों से पता चलता है 2450 BC और 2000 BC के बीच सिंधु घाटी सभ्यता के समय वन रेशम कीट प्रजातियों से रेशम का रेशा पाया जाता था। माइक्रोस्कोप के साथ स्कैनिंग से पता चलता है कि कुछ रेशे तब काते जाते थे जब रेशम का कीट अपने ककून से निकलकर बाहर आ जाता था। ये काफ़ी कुछ अहिंसा टसर रेशम जैसा था जो महात्मा गांधी द्वारा प्रचारित की गई थी। सोलहवीं शताब्दी में टसर रेशम के उत्पादन की प्रक्रिया भागलपुर क्षेत्र में शुरू हुई। इस अवधि में सिल्क निर्माण का ज्ञान वहां के जीवन का एक तरीका बन गया। इस परंपरा का पतन 19वीं शताब्दी में हुआ और बाद में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान खादी रेशम के उत्पादन के साथ इसे एक नई जिंदगी मिली। कई दशकों से भागलपुर रेशम वस्त्रों के निर्माण केंद्र के रूप में विभिन्न प्रकार के रेशम के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ये विशेष रूप से रेशम से निर्मित सजावट के सामान के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दोनों भारी और हल्की बनावट, तसर में रेशम के बचे हुए हिस्से जैसे झूरी, दंती, कटिया, बलकल आदि का इस्तेमाल रेशम वस्त्रों के निर्माण के लिए किया जाता है। भागलपुरी तसर का एक अलग पहचान है। भागलपुर में मटका बनता है, तसर कटिया बनता है, तसर घिचा बनता है। उसके बाद ये साड़ी, तसर साड़ी, मालदेही बहुत पहले हमारे पूर्वज सब बनाते थे, पर अभी नहीं बनता है। अभी हम लोग वेजिटेबल डाई में भी काम करते हैं, जिसे नेचुरल कलर निकालते हैं, प्याज का छिलका, आम का पत्ता, टेसू का फूल, गेंदा का फूल, इस सभी से हम लोग रंग तैयार करते हैं। वर्तमान में बिहार राज्य, जिसमें भागलपुर प्रमुख केंद्र है, भारत में टसर रेशम का सबसे बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है। 6694 हथकरघा घरों में 3316 करके भागलपुर में हैं। भागलपुर का कुल व्यापार लगभग 100 करोड़ प्रतिवर्ष है। 50% घरेलू, 50% निर्यात बाजार से है। मैं मोहम्मद जियाउर रहमान अंसारी भागलपुर का एक बुनकर परिवार का सदस्य हूँ। हमारे दादा परदादा इस काम को करते थे, हमने भी इस काम को आज तक जो है करने का ही प्रयास किया है और इस काम को हम कर रहे हैं। तो साड़ी बनाने में जो वेस्टेज बर्बाद जो होता है, तो उसको सारे को इकट्ठा करके फिर ये धागा हाथ से धागा बनाया गया, स्पिन किया गया, स्पिन करके धागा बना के और फिर कपड़ा बना दिया गया। फिर सिल्क एक ऐसा चीज़ है कि सिल्क का कुछ भी बर्बाद नहीं जाता,
तसर का कोकुन सबसे पहले उसमें तसर बन जाता है। तसर बनने के बाद जो है जो वेस्ट धागा उसका डंटी मतलब उसको इस्तेमाल करके फिर जो ये कटिया बनाया जाता है। और आज देखिए कपड़ा बन के तैयार हो गया, इसका कुशन कवर भी बन रहा है और लोग इसको सोफा कवर में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले तो एक्सपोर्टर को सप्लाई कर रहे थे और फिर मेहनत करते करते आज जो है एक्सपोर्ट कर रहा हूँ और कम से कम जो है 12 से 15 कंट्री में हमारा माल जो है वो डायरेक्ट वे में जा रहा है। पूरे देश में जितना एक्सपोर्ट हो रहा है उसका 20% भागलपुर फिलफिल करता है। करीब 1,00,000 लोग रेशम धागे को कोकून से अलग करने के काम में लगे हुए हैं और सूत को कपड़े में बुनाई के लिए कताई करते हैं। तसर रेशम शहतूत रेशम की तुलना में अधिक टेक्सचर्ड माना जाता है, लेकिन इसमें छोटे फाइबर हैं जिससे यह कम टिकाऊ होता है। इसमें एक मंद स्वर्ण चमक है। चूंकि अधिकतर ककून जंगल से एकत्र किए जाते हैं, कई लोगों द्वारा इसे वन्य उत्पाद भी माना जाता है। तसर हमारा अर्जुन पर भी और आसन पर भी दोनों पर जो है सो वो खाता है, दोनों पत्ते को खाता है। और इससे तसर से ये अर्जुन के ककुन से आसन के का जो तसर है वो थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन दोनों की वैरायटी सेम है। ये वाइल्ड होता है, हम जो है इसको जंगल में यानी वातावरण में इसका जो अपना वातावरण है जंगली वातावरण है उसमें इसको हम पालते हैं। अभी फिर तसर लगाए, फिर इससे इस पौधा से हम लोगों को बहुत फायदा है। अबकी भी तसर अच्छा हम लोग उपज किए और कमाए बढ़िया, हम लोग खुश हैं, बहुत खुश हैं। लगभग 36,000 अनुसूचित जनजाति के लोगों द्वारा टसर रेशम के कीड़ों का पालन पोषण किया जाता है। टसर के लगभग 80,000 कहान, एक कहान 1,280 कोकून के बराबर होता है। उसका उत्पादन बिहार और झारखंड में किया जाता है, जो 1,60,000 पाउंड की लच्छी देता है और 1,20,000 पाउंड टसर का अवशिष्ट। टसर रेशम कोसा रेशम या जंगली रेशम के रूप में भी जाना जाता है। ये कई तरह के रेशम कीड़े के लार्वा से बनाई जाती है, जो चौड़े पंख वाले पीले भूरे पतंगे के अंडे से बनते हैं। ये रेशम के कीड़े जंगल में पेड़ों की पत्तियों के साथ साथ आसन और अर्जुन जैसे अन्य पेड़ों से भोजन प्राप्त करते हैं। इन पतंगों का वैज्ञानिक नाम एंथीरिया माइलिटा है और ये एक समूह का हिस्सा है जिन्हें एम्परर मॉथ या सैटिनेट के नाम से जाना जाता है। ये पतंगे प्रकृति का अद्भुत सत्य हैं। उनके पंख परिपत्र चिन्हों से सजे होते हैं जो दर्पण की तरह दिखते हैं। रेशम के कीड़ों को मारने के लिए कोकून को धूप में सुखाया जाता है। अहिंसा रेशम प्राप्त करने के लिए, रेशम की कोमलता को बनाए रखने के लिए कोकून को उबलते पानी में भिगोया जाता है, मगर इससे पहले रेशम के कीड़े को कोकून छोड़ने की अनुमति दी जाती है। कोकूनों को एकत्र किया जाता है जो आकार में अंडाकार होता है और एकल खोल से बना हुआ होता है। इसके पश्चात उन्हें उबाला जाता है और तब रेशम से यान निकालने की प्रक्रिया शुरू होती है। रेशम के निर्माण में उबालने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कोकून को नरम करती है और रेशम की निकासी को आसान बनाती है। परंपरागत रेशम उत्पादन में कोकून को अभी भी अंदर लार्वा के साथ उबाला जाता है, लेकिन अगर लार्वा छोड़ने के बाद कोकून को उबाला जाता है तो रेशम को गैर हिंसक रेशम या अहिंसा रेशम कहा जाता है। टसर रेशम उद्योग ग्रामीण और आदिवासी मजदूरों का व्यापक उपयोग करता है। उद्योग द्वारा अवशोषित महिलाओं को सिल्क के उत्पादन में प्रशिक्षित किया जाता है। एक 10 मीटर टसर रेशम के कपड़े को पूरा करने के लिए उन्हें 3 दिन का समय लगता है। प्रत्येक कार्यरत श्रम के लिए एक महीने में कम से कम 10 रेशम साड़ी की बुनाई की जाती है। तेरे करम से पे निया।
यहाँ